नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको मालकांगनी कल्प के कुछ तथ्यों से अवगत कराता हूँ। मालकांगनी कल्प आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियोस में बनाया है। उसमें स्वर्ण मौसम रहती है और अन्य औषधियाँ रहती है, प्लस धृत रहता है, गोघृत। जो मालकांगनी कल्प का सेवन आप मेरे से पूछते हैं, सर किस समय करना चाहिए, क्योंकि कई चैनल पर इसके बारे में अलग अलग बातें बताई गई है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मालकांगनी कल्प का सेवन कब और कैसे और किस प्रकृति के व्यक्ति को करना चाहिए, यह भी हम गौर से सुने और ध्यान रखें। सर्वप्रथम तो मालकांगनी जो कल्प है उसको बनाने का क्या तरीका है, ये आप समझ लें। मालकांगनी जो कल्प है इसको मैं रवि पुष्य गुरु पुष्य में जो विशुद्ध मालकांगनी में एकत्रित करवाता हूँ अक्टूबर नवम्बर के महीने में, उसको मैं रवि पुष्य और गुरु पुष्य में ही जो घाणी होती है जिससे हम तेल निकालते हैं, जो मैंने पूर्व वीडियो डाल रखा है, उससे इसका तेल निकालता हूँ। तेल निकालने के बाद मैं इसको ग्रहण करने इसका तेल ग्रहण करके छान करके साफ कपड़े से, और फिर इसके अंदर मैं औषधियों द्वारा एक घृत सिद्ध करता हूँ, वो घृत में लाता हूँ। और एक मैंने आपको बोला था कि एक हिमालयन वच होती है जिसको हम पारसिक वच बोलते हैं, जो कि सामान्यतः मिलने वाली वच की अपेक्षा 7 गुना 8 गुना महंगी होती है। यदि ये वच 300 रुपये किलो मिलती है तो पारसिक वच 6000 रुपये किलो रेट है, बहुत डिफरेंस है। तो उस पारसिक वच को इसमें मिलाता हूँ, आप देखेंगे, ये देखें इसके नीचे पारसिक वच बैठी हुई है, ये पारसिक वच ही बैठी हुई है। ये कल्प लगभग 2 वर्ष तक ख़राब नहीं होता बनने के बाद। मालकांगनी का जो ऑयल निकलता है, आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल में भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल गोल्ड जैसे ऐसा लग रहा है, सोना बिखर रहा हो, क्योंकि इसके फल भी पीले वर्ण के होते हैं। सूर्य के उगती हुई रश्मि के लिए जैसे आभा होती है, नारंगी वर्णीय, वैसे इसकी आभा होती है। दोस्तों, मालकांगनी कल्प बुद्धि को अति तीव्र बना देता है। ऐसा कह सकते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति नियम पूर्वक पूरा परहेज रख करके आयुर्वेद शास्त्र अनुसार और मालकांगनी तेल का सेवन करता है कल्प का, तो उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाती है। अब मालकांगनी तेल में और कल्प में क्या अंतर है, ये सुनिए। देखिए, मालकांगनी तेल का सेवन का जो विधान है वो शास्त्र में ऐसा बताया गया है, यदि व्यक्ति अपने शरीर का पूर्णतः पहले पंचकर्म करवा लेता है, अर्थात आयुर्वेदिक पद्धति से वमन विरेचन स्वेदन है ना इत्यादि क्रियाओं से वो जब मुक्त हो जाता है, उसके बाद उसका शरीर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है और औषधि को ग्रहण करने में उसका शरीर समर्थ होता है, ताकि अपने अंदर के टॉक्सिन बाहर निकल गए हैं और शरीर पूर्णतया शुद्ध है, तब मालकांगनी तेल का सेवन हमको करना चाहिए। मालकांगनी तेल की पोटेंसी जो है बहुत अत्यधिक तीव्र होती है, बहुत गर्म होती है। मालकांगनी के जो गुण हैं ये वातनाशक और कफनाशक है। मालकांगनी जो कल्प है ये किन व्यक्तियों को सेवन करना चाहिए, अब इसके बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। जिस व्यक्ति की प्रकृति वातज और पित्त और कफज है, उस व्यक्ति को मालकांगनी कल्प वो व्यक्ति कभी भी सेवन कर सकता है, चाहे वो कोई सी भी ऋतु हो। मेरे पास आपके फ़ोन आते हैं, आप मेरे से बोलते हैं कि सर मालकांगनी कल्प अभी हम सेवन कर सकते हैं, तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ, यदि आपकी पित्तज प्रकृति नहीं है तो आप मालकांगनी कल्प सेवन कर सकते हैं। यदि आपकी पित्त की प्रकृति है, आपको खट्टी डकारें आती है, जी मचलता है, खट्टा खट्टा पानी मुँह में आता है और शरीर में एक दाह सी रहती है, अंग में जलन सी रहती है, तो मालकांगनी कल्प हो चाहे मालकांगनी तेल हो, यह आपको माफिक नहीं आएगा। जो पितज प्रकृति के व्यक्ति हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्दी में जो जाड़ा पड़ता है नवंबर के बाद, तीव्र जाड़ा जो पड़ता है, उसमें आप इसको 1 से 2 महीने तक आप इसको नियम पूर्वक एक बूंद करके सेवन कर सकते हैं। गर्मी में तो पितज प्रकृति के व्यक्ति को मालकांगनी कल्प का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जो वातज और पितज प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको भी गर्मी में आप 1 बूंद से 2 बूंद लास्ट इसका सेवन कर सकते हैं। हमने निजी अनुभव किया है कि जो व्यक्ति इसकी लिमिट से ज़्यादा मात्रा लेता है, मैंने देखा है कई जगह बोला गया 8 बूंद लेने को, कई जगह बोला गया 5 बूंद लेने को, ये कह देने में आसान है, मगर जब हम स्वयं इसका उपयोग करते हैं हमारे शरीर के ऊपर, तो बहुत सी बार 3 बूंद लेने के बाद ही ये फ्रेश की जगह पर एक गर्मी उत्पन्न कर देता है, हीटिंग उत्पन्न कर देता है, एक दाह उत्पन्न कर देता है।
और मूत्र में भी दाह उत्पन्न कर देता है। इसलिए मालकांगनी जो कल्प है या मालकांगनी तेल है, ये दोनों पितज प्रकृति के व्यक्ति को माफिक नहीं आते हैं और इसकी डोज 1 से 2 बूंद ही रहना चाहिए। मालकांगनी जो कल्प है, इसके अंदर गोघृत होने से, अन्य बुद्धिवर्धक औषधियाँ होने से और पार्श्विक पक्ष होने से ये बुद्धि के लिए अत्यंत फायदेमंद है और इसके अंदर स्वर्ण भस्म है जो कि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के लिए, सेल्स के लिए एक अमृत के समान कार्य करता है। तो मालकांगनी कल्प का सेवन आपको 1 बूंद से 2 बूंद करना है जिन व्यक्तियों की वातज और कफज प्रकृति है, और पितज प्रकृति के व्यक्तियों को सिर्फ और सिर्फ सर्दी में लेना है। मालकांगनी कल्प जो मैं बनाता हूँ वो विशुद्ध पूरी जो शास्त्रोक्त पद्धति उसी से निकालता हूँ दोस्तों। और एक खास बात, सूर्य तापी विधि से कोई मालकांगनी का तेल नहीं निकलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाताल यंत्र से निकला हुआ मालकांगनी का जो तेल है वो सिर्फ और सिर्फ रसायन कार्यों में कार्य आता है, काम में आता है। जो घाणी से निकलता है, ठंडी विधि से निकलता है, वही तेल आपके मस्तिष्क के लिए बढ़िया है, क्योंकि जो ठंडी विधि से निकलेगा वो आपके मस्तिष्क को ठंडा रखेगा, नॉर्मल रखेगा। और ये सूर्य ताप विधि से में क्या होता है कि मालकांगनी के बीजों को लेकर के तिल के तेल के साथ पीस करके और उसको कांसे की थाली पर लेप करके टेढ़ा कर दिया जाता है। आप समझिए, जब तिल्ली का तेल उसमें मिल जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वातनाशक मालिश के लिए रहता है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि सर हमने फला जगह से लिया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, यही कारण होता है। आप जब स्वर्ण भस्म मिश्रित मालकांगनी कल्प और बुद्धिवर्धक औषधियों से मिश्रित और जो वच है पार्शिक इससे मिश्रित मालकांगनी कल्प का सेवन करते हैं तो बड़ा लाभ देता है, मस्तिष्क के एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करता है। मैंने ऑटिज्म के बच्चों पर भी इसका काफ़ी लाभप्रद परिणाम पाया और करीब 3 बच्चों को मैंने दिया जिनमें 70% अभी तक रिकवरी है। तो दोस्तों, ये मैंने मालकांगनी का जो कल्प है जो तेल से बनता है इससे मैंने आपको अवगत करा है। देखिए इसकी हवा को। मेरा मोबाइल नंबर है 7011451590। नमस्कार, धन्यवाद।